समस्तंकु शुभ दिन कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती पूर्व क्लास रे तुम्हें फॉर्मेट मेनू विषय रे सीखी थिलो आस वर्तमान पूर्व क्लास रे आमे जहां सीखी थिले तहार अभ्यास करिबा तुम्हें कही पारिबो पेज ओरिएंटेशन केते प्रकार अछि ओरिएंटेशन दुई प्रकार अटे पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप तुम्हें कही पारिबो आमे ड्रॉप कैप्स कौन पाई व्यवहार करू ड्रॉप कैप्स रो व्यवहार द्वारा तुम्हें तुमर टेक्स्ट किंबा पाराग्राफ रो प्रथम अक्षर किंबा शब्द को कैपिटल एवं बोल्ड करी परिबो तुम्हें कही परिबो आमे ब्लिंकिंग कौन पाई व्यवहार करू ब्लिंकिंग ऑप्शन रो व्यवहार द्वारा तुम्हें सिलेक्ट करी थिबा टेक्स्ट को ब्लिंक करी परिबो एहा द्वारा सही टेक्स्ट बारंबार आसीबो एवं जीवो वर्तमान तुमको कुहा जायथिबा माध्यम रे तुमर कंप्यूटर को ऑन करो एवं राइटर रो फाइल को ओपन करो आस वर्तमान जानिबा कि आजिरो क्लास रे तुम्हें कौन सबू सिखिबो आजिरो क्लास रे तुम्हें फॉर्मेट मेनू रो किछि ऑप्शन गुड़ी का विषय रे सिखिबो सेगुड़ी को हेउछि चेंज केस कौन अटे टेबल कौन अटे टेबल को केमिति इंसर्ट करा जाए रो एवं कॉलम कौन अटे रो एवं कॉलम को इंसर्ट केमिति करा जाए टेबल को डिलीट केमिति करा जाए मर्ज सेल कौन अटे स्प्लिट सेल कौन अटे ऑटो सेल को काहीं की व्यवहार करा जाए एबे आसो आजिरो क्लास आरंभ करिबा तुम आगरे देखा जाइथिबा पाराग्राफ को टाइप करो तापरे तुम्हें फॉर्मेट मेनू रो चेंज केस ऑप्शन विषय रे सिखिबो चेंज केस ऑप्शन रो व्यवहार द्वारा तुम्हें लेखिथिबा टेक्स्ट किंबा पाराग्राफ रो केस को चेंज करि परिबो अर्थात तुम्हार टेक्स्ट रो केस चेंज होई सेगुड़ी को कैपिटल होई जीवो किंबा सबगुड़ी को स्मॉल होई जीवो आसो वर्तमान लॉयर केस विषय रे सिखिबा तुम्हें कही परिबो लॉयर केस द्वारा कौन होई था आमो लाइन किंबा पाराग्राफ रो टेक्स्ट गुड़ी को छोटो अक्षर करिबा पई लॉयर केस ऑप्शन को आमे व्यवहार करी थाउ एबे आसो एही वीडियो को देखिबा एवं लॉयर केस रो व्यवहार विषय रे सिखिबा लॉयर केस ऑप्शन रो व्यवहार पई प्रथमे पाराग्राफ को सिलेक्ट करो तापरे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नियो जे भली वीडियो रे देखा जाय छी एवं गटे थरो क्लिक करो तापरे चेंज केस ऑप्शन को निजरो कर्सर नियो एवं सेठारे द्वितीय ऑप्शन लॉयर केस ऑप्शन को गटे थरो क्लिक करो एहा द्वारा तुम्हें देखि परिबो तुम्हारो पाराग्राफ रे लॉयर केस ऑप्शन अप्लाई होई जाय छी एवं अक्षर गुड़ी को छोट होई जाय छी एबे आसो सेंटेंस केस विषय रे सिखिबा तुम्हें कही परिबो सेंटेंस केस कौन अटे सेंटेंस केस रे प्रथम अक्षरटी कैपिटल रे रही थाए एवं राइटर पेज रे सेंटेंस केस पूर्वरु सिलेक्ट होई रही थाए एही वीडियो देखो एवं सेंटेंस केस रो अभ्यास करो वर्तमान सेंटेंस केस व्यवहार करिया पई प्रथमे तुम्हें पाराग्राफ को सिलेक्ट करो एहा परे तुम्हारो कर्सर किंबर पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नहीं गोटे थरो क्लिक करो जे भली वीडियो रे देखा जाय छी एहा परे चेंज केस ऑप्शन पाखो को पॉइंटर को नियो एवं प्रथम ऑप्शन सेंटेंस केस को गोटे थरो सिलेक्ट करो एहा द्वारा तुम्हारा पेज रे सेंटेंस केस अप्लाई होई जीवो
ଏହାର ଅର୍ଥ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ଆସିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଅପର୍ କେସ୍ ବିଷୟରେ। ତୁମେ କହିପାରିବ ଅପର୍ କେସ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅପର୍ କେସ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ପାରାଗ୍ରାଫ୍ର ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ଅପର୍ କେସ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ଦେଖାଯିବ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଅପର୍ କେସ୍ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଅପର୍ କେସ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବପରି ତୁମର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏହାପରେ ତୁମର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ନିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାପରେ ତୁମର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କେସ୍ ଅପସନ୍ ପାଖକୁ ନିଅ। ସେଠାରେ ତୃତୀୟ ଅପସନ୍ ଅପର୍ କେସ୍ ଅପସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅପର୍ କେସ୍ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍ଟି କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ ଏଭ୍ରି ୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଅଟେ। ତୁମେ କହିପାରିବ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ ଏଭ୍ରି ୱାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ଅପସନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ପାରାଗ୍ରାଫ୍ର ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଏବେ ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ ଏଭ୍ରି ୱାର୍ଡକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ ଏଭ୍ରି ୱାର୍ଡ ଅପସନ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତୁମର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ନିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାପରେ ତୁମର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କେସ୍ ଅପସନ୍ ପାଖକୁ ନିଅ ଏବଂ ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ଅପସନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ ଏଭ୍ରି ୱାର୍ଡ ଅପସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ ଏଭ୍ରି ୱାର୍ଡ ତୁମର ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଟଗଲ୍ କେସ୍। ତୁମେ କହିପାରିବ ଆମେ ଟଗଲ୍ କେସ୍ର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରିଥାଉ? ଟଗଲ୍ କେସ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ପାରାଗ୍ରାଫ୍ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଆଉ ସବୁ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର କିମ୍ବା ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ କରିପାରିବ। ଏବେ ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଟଗଲ୍ କେସ୍ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଗଲ୍ କେସ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏହାପରେ ତୁମର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ନିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାପରେ ଚେଞ୍ଜ କେସ୍ ଅପସନ୍ ପାଖକୁ କର୍ସର୍କୁ ନିଅ। ଏହାପରେ ଏଠାରେ ଥିବା ଶେଷ ଅପସନ୍ଟି ଟଗଲ୍ କେସ୍ ଅପସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ସାନ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଥିଲା ତାହା ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଟେବୁଲରେ କାମ କରିବା। ତେବେ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆସ ଏବଂ ତୁମର କର୍ସର୍କୁ ଲାଇନ୍ର ଶେଷରେ ରଖ ଏବଂ ଏଣ୍ଟର୍ ବଟନ୍କୁ ଦୁଇ ଥର ଦବାଅ। ଏବେ ଆସ ଟେବୁଲ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ
टेबुल कौन एवं आमे एहाकु काहीं की व्यवहार करी थाउ? रो एवं कॉलम गुड़ी कु नहीं गोटिये टेबुल होई थाए। यहाँ ठीक, तुम्हारा गणित खाता भली अटे एवं एथिरे बहुत गुड़िये बॉक्स किंबा सेल रही थाए। यही सेल गुड़ी कु विभिन्न भावरे व्यवहार करा जाए, जेमिति की ऑफिस काम पाई, रिपोर्ट कार्ड पाई, कैलेंडर पाई, छात्र मानकर मार्क पाई किंबा सेमानकर अन्य विषय रे इत्यादि। तुम्हें भावुथिबो रो एवं कॉलम कौन? तुम आगरे देखा जाइथिबा चित्र को देखो, एठारे होराइजॉन्टल रो एवं वर्टिकल कॉलम देखा जाय अछि। तेबे एही चित्र रे जेउ बॉक्स गुडीको बामरो डाहाण को जाइछि ताहाकु रो कुआ जाय एवं एही गुडीको होराइजॉन्टल अटे एवं जेउ बॉक्स गुडीको ऊपर तळ को जाइछि ताहाकु कॉलम कुआ जाय एवं एही गुडीको वर्टिकल अटे। आसो वर्तमान जानिबा कि टेबल को किपरी इंसर्ट करा जाय। टेबल को चारोटी माध्यम रे ओपन करी परिबो। प्रथम माध्यमटी रे तुमे इंसर्ट मेनू रो टेबल ऑप्शन को व्यवहार करी परिबो। द्वितीय माध्यमटी रे तुमे टेबल मेनू रो इंसर्ट ऑप्शन को व्यवहार करिबो। तृतीय माध्यमटी रे तुमे एहा पई शॉर्टकट कमांड रो व्यवहार करी परिबो। एहा पई शॉर्टकट कमांड हेउची कंट्रोल प्लस F12 बटन एवं चतुर्थ माध्यमटी हेउची स्टैंडर्ड टूल बार को व्यवहार करी। एही माध्यम विषय रे तुमे एडवांस मॉड्यूल ले सिखिबो। एबे आसो एही वीडियो को देखिबा एवं एही तीनोटी माध्यम विषय रे अधिक सिखिबा। वर्तमान गोटे टेबल को इंसर्ट करिबा पाई प्रथमे तुमे तुम्हारो कर्सर को टेबल ऑप्शन को नेकी जाओ जे भली वीडियो रे देखा जाय छी एवं ता परे गोटे थरो क्लिक करो। एहा परे सेठे थिबा इंसर्ट ऑप्शन बाख को तुम्हारो कर्सर नियो एवं ता परे तुम्हें देखि परिबो सेठरे आ गोटे छोट बॉक्स आसुची जेउथरे टेबल ऑप्शन रहिची ताहा को गोटे थरो क्लिक करो। तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जेउथरे विभिन्न प्रकार ऑप्शन रहितबार तुम्हें देखि परिबो। एइठरे तुम्हें देखि परिबो कॉलम एवं रो रो ऑप्शन रहिची जेहेतु कॉलम एवं रो को नै टेबल इंसर्ट करा जायथाय तेनु तुम्हें एइठरे केतोटी कॉलम एवं रो को नै टेबल तैयारी करिबो ताहा बाछि परिबो। अप एरो की एवं डाउन एरो की को व्यवहार करी तुम्हें कॉलम एवं रो रो नंबर को बढ़ाई परिबो। जेउ परी वर्तमान वीडियो रे कॉलम को 5 नंबर करा जाय छी एवं रो को 5 नंबर करा जाय छी। यहा परे तुम्हें ओके बटन को प्रेस करो जहा द्वारा तुम्हें देखि परिबो गोटिए टेबल इंसर्ट होई जाय छी। यहा को तुम्हें विभिन्न काम रे व्यवहार करि परिबो। वर्तमान तुम्हें समस्ते तुम आगरे देखा जाइथिबा चित्र को देखो एवं सही परि गोटिए टेबल तैयारी करो। गोटिए बॉक्स रु बाम को डाहाण को ऊपर को किंबा तळ को जिबा पाई तुम्हें एरो की गुड़ी करो व्यवहार करी परिबो। एबे आसो एही वीडियो को देखिबा एवं गोटिए टेबल रे डाटा को किपरी इंसर्ट करा जाए से विषय रे अधिक सिखिबा। वर्तमान टेबल रे डाटा को इंसर्ट करिया पई प्रथमे प्रथम बॉक्स रे तुम्हारो कर्सर को रखो एवं प्रथमे एही ठारे वीडियो रे देखाई थे भली टाइप करो नेम एवं ता परे द्वितीय बॉक्सेस को जाओ। एथि पई तुम्हें एरो की को व्यवहार करी परिबो
एवं एठारे रोल नंबर लेखो एवं तापरे तृतीय बॉक्स को जाओ एवं एठारे वीडियो रे देखाइथे बळी सब्जेक्ट गुडी कर नाम लेखि परिबो जे बळी वर्तमान एठारे हिंदी लेखा जायछि एवं तापर बॉक्स रे इंग्लिश लेखि परिबो जे बळी वीडियो रे देखा जायछि एवं तापर बॉक्स रे कंप्यूटर लेखो एहा परे नेम तळकु तुमरो कर्सर आनी गोटे थर क्लिक कर जे भळी वीडियो रे देखा जायछि एबे एहिठारे तुमे नाम गुडी को लेखि परिबो एवं तळ बॉक्स को आसिया पई तुमे डाउन एरो की व्यवहार करि परिबो एवं वीडियो रे देखा इथे भळी आ गुटे नाम लेखि परिबो सेई भळी आ गुटे नाम लेख एवं सेई भरी आउ थरे डाउन एरो की को व्यवहार कर एवं आउ गुटे नाम लेख एवं सेई भरी आउ थरे डाउन एरो की को व्यवहार कर एवं आउ गुटे नाम लेख रोल नंबर लेखिया पई तुमे रोल नंबर बॉक्स को जाओ एवं प्रथम नाम रो डाहाण पाखरे एक लेख जे भळी वीडियो रे देखा जायछि एवं पुनर्बार डाउन एरो की को व्यवहार करी सेठारे दुई लेख एवं आउ थरे डाउन एरो की व्यवहार करी तीन लेख सेई भळी आउ थरे डाउन एरो की व्यवहार करी चार लेख एबे सब्जेक्ट गुड़ी करो मार्क लेखिया पई तुमे हिंदी बॉक्स ऑप्शन को जाओ तुमे प्रथमे हिंदी लेखाई दिया बॉक्स पाख को तुमरो कर्सर को नियो एवं सेठारे वीडियो रे देखाई थे बळी गोटे मार्क लेख जे बळी 63 एवं पुनर्बार डाउन एरो की व्यवहार करो एवं सेठारे 68 लेख तापर 62 लेख एवं तापर 65 लेख एहा परे इंग्लिश बॉक्स को जाओ एवं गोटे थर क्लिक करो एवं वीडियो रे देखाई थे बळी सेठारे गोटे मार्क लेख जे बळी एठारे वर्तमान 56 लिखाई छि एवं तापरे तळ बॉक्स को आसो एवं 69 लेख एवं तापर तळ बॉक्स को आसो एवं एठारे 59 लेख एवं तापर तळ बॉक्स को आसो एवं 49 लेख पुनर्बार कंप्यूटर बॉक्स को जाओ एवं सेठारे वीडियो रे देखाई दे बळी एठारे तुमे 72 लेख एवं ता पर तळ बॉक्स को आसो 75 लेख एवं ता तळ बॉक्स को आसी 76 लेख एवं शेष बॉक्स रे 71 लेख एई भळी भाबरे तुमे डाटा गुडी को इनसर्ट करी परिबो टेबल रे तुमे कहि परिबो रो को केमिति इनसर्ट करा जाए रो को इनसर्ट करिवा पई प्रथमे तुमको टेबल रे जेउठारे रो को इनसर्ट करिया पई चाहू छ तुमे तुमार कर्सर को सही रो रो प्रथम रो उपरे गोटे थर क्लिक करो एवं ता परे टेबल मेनू रो इनसर्ट ऑप्शन रो रो को गोटे थर क्लिक करो एहा द्वारा गोटे बॉक्स आसीबो एहा को व्यवहार करी रो को इनसर्ट करी परिबो आसो एही वीडियो को देखिबा एवं रो को इनसर्ट करिबा विषय रे अधिक सिखिबा वर्तमान गोटे नुआ रो को इनसर्ट करिया पई प्रथमे तुमे तुमरो कर्सर को सही ठारे रख जेउं ठारे तुमे रो को इनसर्ट करिया पई चाहू छो जदी तुमे चाहिबो कर्सर रो पूर्वरो इनसर्ट करि परिबो रो किंबा कर्सर परे मध्य रो को इनसर्ट करि परिबो तबे एथिपई प्रथमे तुमरो कर्सर किंबा पॉइंटर को टेबल मेनू को नियो एवं गोटे थर क्लिक करो जे भळी वीडियो रे देखा जायछि एहा परे इनसर्ट ऑप्शन को जाओ एवं सेठारे द्वितीय ऑप्शन रे रोज रहीछि एठारे रो को सिलेक्ट करो एवं तुम आगे बॉक्स आसीबो एठारे दुईटी ऑप्शन तुम्हें देखि परिबो गोटे इनसर्ट एवं द्वितीयटी पोजीशन इनसर्ट ऑप्शन रे तुम्हें केतोटी नंबर रो को इनसर्ट करिया पई चाहू छो ताहा को सिलेक्ट करि परिबो
एहाको बढ़ाई पारिबो किंबा कमाई पारिबो अप एरो की एवं डाउन एरो की को व्यवहार करी एवं पोजीशन अर्थ तुम्हें कर्सर पूर्वरु रो को इंसर्ट करिया पई चाहुचो किंबा कर्सर परे इंसर्ट करिया पई चाहुचो वर्तमान आमे कर्सर परे रो को इंसर्ट करिया पई चाहुचे तेनु एठार आमे आफ्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करिबा एवं तुम्हें देखि परिबो आफ्टर ऑप्शन टी पूर्वरु सिलेक्ट होई अछि एबे तुम्हारा कर्सर को ओके बटन पाखो को नियो एवं गोटे थर क्लिक करो या द्वारा तुम्हें देखि परिबो तुम्हारा कर्सर परे गोटे रो आसी जाय छि एबे यार प्रथम बॉक्स रे तुम्हारा कर्सर रख एवं जेउ पर या नेम रो बॉक्स रही छि तो एठारे नाम लिखि परिबो एवं ता परे राइट एरो की को व्यवहार करी तुम्हें रोल नंबर जगह रे रोल नंबर लिखि परिबो जो भली वीडियो रे देखा जाय छि सेही भली पुनर्बार राइट एरो की को व्यवहार करी तुम्हें हिंदी रो मार्क लिखि परिबो एवं आउ थरे इंग्लिश रो मार्क लिखि परिबो एवं सेही परी पुनर्बार आउ थरे राइट एरो की को व्यवहार करी तुम्हें कंप्यूटर रो मार्क लिखि परिबो एही भली भाब रे तुम्हें रो को इंसर्ट करि परिबो तुम्हें कहि परिबो कॉलम को केमिति इंसर्ट करा जाय तुम्हें कॉलम को मध्य सही परी इंसर्ट करी परिबो जेपरी तुम्हें रो को इंसर्ट करी थिलो एबे आसो एही वीडियो को देखिबा एवं अधिक सिखिबा वर्तमान गोटे नुआ कॉलम को इंसर्ट करिबा पई तुम्हारो टेबल रे तुम्हें कर्सर को सही जगह रे रखो जेउठार तुम्हें कॉलम को इंसर्ट करिया पई चाहुचो कर्सर पूर्वरु किंबा कर्सर परे इंसर्ट करि परिबो एथि पई तुम्हारो कर्सर को प्रथमे टेबल मेनू को नियो एवं गोटे थर क्लिक करो एहा परे इंसर्ट ऑप्शन को जाओ एवं तृतीय ऑप्शन कॉलम ऑप्शन को गोटे थर क्लिक करो एहा द्वारा तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जेउठारे दुईटी ऑप्शन रहिछि इंसर्ट एवं पोजीशन रो इंसर्ट ऑप्शन रे तुम्हें केतोटे नंबर रो कॉलम को इंसर्ट करिया पई चाहुचो ताकु अप एरो की एवं डाउन एरो की को व्यवहार करी बढ़ाई पारिबो किंबा कमाई पारिबो। एवं द्वितीय रे पोजीशन अर्थ तुम्हारा कर्सर जेउं जगह रे अछि तहार पूर्व रे तुम्हें कॉलम को इंसर्ट करिया पई चाहुचो किंबा परे इंसर्ट करिया पई चाहुचो वर्तमान एहा तुम्हें देखि पाइबो आफ्टर सिलेक्ट होई अछि यार अर्थ कर्सर परे तुम्हारो कॉलम इंसर्ट हेबो एबे तुम्हें ओके बटन को प्रेस करो यहा द्वारा तुम्हें देखि पाइबो तुम्हारो टेबल ले गुटे नुवा कॉलम इंसर्ट होई जाइछि एबे एही ठारे तुम्हें आउ गुटे सब्जेक्ट रो नाम लिखि पाइबो एवं तारो मार्क मध्य एड करि पाइबो आसो वर्तमान डिलीट सब मेनू विषय रे सिखिबा तुम्हें डिलीट को व्यवहार करी टेबल रो एवं कॉलम को डिलीट करि पाइबो आसो वर्तमान एही वीडियो को देखिबा एवं डिलीट रो व्यवहार केमिति करा जाय सिखिबा वर्तमान कौनसी रो किंबा कौनसी कॉलम को डिलीट करिया पई प्रथमे तुम्हें तुम्हारा कर्सर को सही रो किंबा सही कॉलम रे रख जहाँ को तुम्हें डिलीट करिया पई चाहुछ वर्तमान प्रथमे रो को डिलीट करिया पई तुम्हारा कर्सर को सही रो रे रख जेउ रो टी को तुम्हें डिलीट करिया पई चाहुछ ता परे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को टेबल मेनू को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर तापरे डिलीट ऑप्शन को तुम्हारो कर्सर को नियो एवं रो को डिलीट करिया पई सेठर थिबा रो ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर तुम्हें देखि परिबो तुम्हें कर्सर रखिथिबा रो टी डिलीट होई जाइछि वर्तमान कॉलम को डिलीट करिया पई तुम्हारो कर्सर को सही कॉलम रे रख जहाँ को तुम्हें डिलीट करिया पई चाहुछो तापरे तुम्हारो कर्सर किंबा पॉइंटर को टेबल मेनू को नियो
एवं गोटे थर क्लिक कर तापर डिलीट ऑप्शन को जाई कॉलम ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर यहाँ द्वारा तुम्हें देखी परिबो तुम कर्सर थिबा कॉलम टी डिलीट हो जाइछि। तापर तुम्हें सिलेक्ट ऑप्शन विषय रे सिखिबो तुम्हें सिलेक्ट को व्यवहार करी संपूर्ण टेबल रो एवं कॉलम को सिलेक्ट करी परिबो। एबे आसो एही वीडियो को देखी सिलेक्ट रो व्यवहार सिखिबा। वर्तमान टेबल को सिलेक्ट करिबा पई प्रथमे तुमे तुमरा कर्सर को टेबल रो कौनसी जगह रे रख जो भाई वीडियो रे वर्तमान देखा जाइछि तापरे तुमरा कर्सर किंबा पॉइंटर को टेबल ऑप्शन को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर एहा परे सेठर ऑप्शन रहिछि सिलेक्ट ऑप्शन को तुमरा कर्सर नियो एवं सेठर थिया प्रथम ऑप्शन टेबल ऑप्शन को गोटे थर सिलेक्ट कर एहा द्वारा तुमे देखि परिबो तुमरा संपूर्ण टेबल टी सिलेक्ट होई जाइछि। जदि तुमे कोनसी गोटिए रो किंबा गोटे कॉलम को सिलेक्ट करिया पई चाहिबो तबे तुम्हें सही रो रे प्रथमे तुम्हारा कर्सर को रख तापरे टेबल मेनू को जाओ एवं तापरे सिलेक्ट ऑप्शन को जाई रो लिखाइथिबा ऑप्शन को क्लिक कर एहा द्वारा तुम्हें देखि परिबो तुम्हें जे रो रे कर्सर टी रखिथिलो सही रो टी सिलेक्ट होई जाइछि। सही भली जदि तुम्हें गोटे कॉलम को सिलेक्ट करिया पई चाहिबो तबे तुम कर्सर को सही कॉलम रो जेकोनसी बॉक्स रे रख एवं तापरे तुम्हारा कर्सर को टेबल मेनू को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर एवं तापरे सिलेक्ट ऑप्शन को जाई कॉलम ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर या द्वारा तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें जे कॉलम रे तुम्हारा कर्सर को रखिथिलो सही कॉलम टी सिलेक्ट होई जाइछि। वर्तमान जदि तुम्हें चाहिबो केवल गोटे सेल को सिलेक्ट करिवा पई तबे तुम कर्सर को सही सेल रे रख तापरे टेबल ऑप्शन को जाओ एवं सिलेक्ट ऑप्शन को जाई सेल ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर एहा द्वारा तुम्हें देखि परिबो तुम्हें जेउ सेल रे तुम कर्सर को रखिथिलो सही सेल टी सिलेक्ट होई जाइछि। आसो वर्तमान मर्ज सेल विषय रे सिखिबा। तुम्हें जानिछ कि मर्ज सेल कौन अटे। मर्ज रो अर्थ हेउछि मिसाइबा किंबा गोटिए तयारी करिबा। मर्ज सेल को दुईटी किंबा ताहाठारु अधिक सेल गुड़ी को गोटिए करिवा पई व्यवहार करा जाए। आसो वर्तमान एही वीडियो को देखिबा एवं मर्ज सेल विषय रे अधिक सिखिबा। वर्तमान सेल को मर्ज करिवा पई अर्थात गोटिए किंबा अधिक सेल गुड़ी को गोटिए करिवा पई प्रथमे तुमरो कर्सर किंबा पॉइंटर को सही सेल पाखरे रख जहाँ को तुम्हें मर्ज करिवा पई चाहुछो। जेउ भळी वर्तमान हिंदी बॉक्स रे कर्सर को रखा जाइछि वर्तमान आमे हिंदी एवं इंग्लिश एही दुईटी बॉक्स को मर्ज करिबा। एथि पई प्रथमे एही दुईटी बॉक्स को सिलेक्ट करिया पई होइथाय। सिलेक्ट करिया पई तुम्हें तुमरो माउस किंबा टच पैड रो बाम बटन को दबाई रखी एहा को डाहाण आड़ को टाण एहा द्वारा एही दुईटी बॉक्स सिलेक्ट होई जिवो। एहा परे तुमरो कर्सर किंबा पॉइंटर को टेबल ऑप्शन को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर एहा परे मर्ज सेल ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर एहा द्वारा तुम्हें देखि परिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा दुईटी बॉक्स गोटिए होई जाइछि। आसो वर्तमान स्प्लिट सेल रो व्यवहार विषय रे सिखिबा। तुम्हें जानिछ कि स्प्लिट रो माने कौन अटे। स्प्लिट रो अर्थ हेउछि अलगा करिबा किंबा गोटिए भाग को अनेक भाग रे भाग करिबा। स्प्लिट सेल को व्यवहार करी तुम्हें गोटिए सेल को स्प्लिट करी गोटिए रु अधिक सेल करी परिबो अर्थात तुम्हें गोटिए सेल को अलगा करी अनेक गुड़िए
ভাগ করি পারিব। তুমে সেল কু হরাইজন্টালি কিংবা ভর্টিকালি স্প্লিট করি পারিব। দেখা যাইতিবা ভিডিও কু দেখি স্প্লিট সেল র ব্যবহার বিষয়ে অধিক শিখ। বর্তমান স্প্লিট সেল র ব্যবহার করিয়া পাই অর্থাৎ কোনসি সেল কু স্প্লিট করিয়া পাই অর্থাৎ অলগা করিয়া পাই প্রথমে তুমকু তোমার কর্সর কু সেই সেল রে রাখিয়া পাই হইতায় যাহাকু তুমি স্প্লিট করিয়া পাই চাউছ। যেভাবে বর্তমান আমি কম্পিউটর সেল কু স্প্লিট করিয়া পাই চাউছু তেণু এইঠারে কর্সর কু রখ যেভাবে ভিডিওরে দেখা যাইছি। এহা পরে তোমার কর্সর কিংবা পয়েন্টর কু টেবল মেনু কু নেইকি যাও এবং গটিয়ে থর ক্লিক কর এবং তাপরে সেইঠারে রহিতিবা স্প্লিট সেলস অপশন কু গটিয়ে থর ক্লিক কর যেভাবে ভিডিওরে দেখা যাইছি। এহা দ্বারা তুম আগরে গোটে বক্স আসিব যেউথিরে কিছু অপশন রয়েছে যেভাবে কি প্রথম অপশনরে স্প্লিট রয়েছে এর অর্থ তুমি সেলটি কু কতটি ভাগরে ভাগ করিয়া পাই চাউছ অর্থাৎ কতটি বক্স করিয়া পাই চাউছ। এইঠারে তুমি আপ এরো কি এবং ডাউন এরো কি কু ব্যবহার করি তুমি সেলর সংখ্যা কু বড়াই পারিব কি কতটি সেলরে ভাগ করিয়া পাই চাউছ যেভাবে বর্তমান ভিডিওরে করা যাইছি। এবে ইয়াকু ভিডিওরে দেখাইতে বলি দুইটি সেলরে রখ এবং তাপরে দ্বিতীয় অপশনটি হচ্ছে ডাইরেকশন অর্থাৎ তুমি ইয়াকু ভর্টিকালি কিংবা হরাইজন্টালি কিপরি তুমি স্প্লিট করিয়া পাই চাউছ। বর্তমান ইয়াকু ভর্টিকালি রখ এবং তাপরে ওকে বটন কু গটিয়ে থর ক্লিক কর। এহা দ্বারা তুমি দেখি পারিব কম্পিউটর সেলটি দুইটি ভাগরে ভাগ হয়ে যাইছি যেভাবে ভিডিওরে দেখা যাইছি। আস বর্তমান অটো ফর্মাট বিষয়ে শিখিবা। অটো ফর্মাট গোটিয়ে অপশন যাহা ভিতরে টেবুল পাই বিভিন্ন প্রকার ডিজাইন কিংবা ফর্মাট রহিথায় অর্থাৎ আবশ্যক থিবা ফর্মাট কু ব্যবহার করি তুমি সেই ফর্মাটরে গোটিয়ে টেবুল র ডিজাইন তৈরি করি পারিব। দেখা যাইতিবা ভিডিও কু দেখি অটো ফর্মাট অপশন কু কিপরি ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে শিখি পারিব। বর্তমান অটো ফর্মাট অপশন র ব্যবহার করিয়া পাই প্রথমে তুমি তোমার কর্সর কিংবা পয়েন্টর কু টেবুল র যেকোনসি জায়গায় রখ যেভাবে ভিডিওরে বর্তমান এই বক্সরে রখা যাইছি। এহা পরে তুমি তোমার কর্সর কিংবা পয়েন্টর কু টেবুল অপশন কু নেই গটিয়ে থর ক্লিক কর এবং তাপরে সেইটা রহিতিবা অটো ফর্মাট অপশন পাখকু তোমার কর্সর নিও এবং তাহাকু গটিয়ে থর ক্লিক কর। এহা দ্বারা তুমি দেখি পারিব ভিডিওরে দেখাইতিয়া ভলি তুম আগরে গটিয়ে বক্স ওপেন হেব যেউঠারে বিভিন্ন প্রকার অপশন রয়েছে। এইঠারে তুমি স্ক্রল বার কু তলকু কিংবা উপরকু করি তুমি গটিয়ে ফর্মাট কু বাছি পারিব এবং এহা কিপরি হেউছি তুমি সেইঠারে দেখি পারিব মধ্য এবং তাপরে ওকে বটন কু গটিয়ে থর প্রেস কর। এহা দ্বারা তুমি সিলেক্ট করিথিবা ফর্মাট হিসাবরে তোমার টেবুল মধ্য হই যাইছি তাহা দেখি পারিব। আমি আজিরো ক্লাস এইঠারে শেষ করিবা। এবে তুমি সমস্তে তোমার রাইটর ফাইল কু বন্ধ কর এবং কম্পিউটর কু সঠিক ভাবরে সটডাউন কিংবা বন্ধ কর। আজিরো ক্লাসরে তুমি চেঞ্জিং কেস বিষয়ে শিখিল। তুমি টেবুল ইনসর্ট র এবং কলম ইনসর্ট কোন সেই বিষয়ে মধ্যে শিখিল। তাপরে তুমি ডিলিটিং টেবুল বিষয়ে র কিংবা কলম এবং সিলেক্টিং টেবুল র বিষয়ে কিংবা কলম বিষয়ে মধ্য শিখিল এবং তুমি মর্জ সেল এবং স্প্লিট সেল বিষয়ে মধ্য শিখিল এবং শেষরে তুমি অটো ফর্মাট কু ব্যবহার করি
टेबल को डिजाइन करिबा मध्य सिखिलो। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती।